औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कार से अवैध तरीके से शराब ले जा रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटना के दौरान मुखबिर की सूचना पर सागौर कुटी तरफ से सफेद रंग की हुंडई कंपनी की सफेद कलर की कार के पीछे की सीट व कार की डिक्की में अवैध शराब छुपा कर लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार सागौर पुलिस ने सागौर कुटी मार्ग पर नाकाबंदी की। इस बीच संदेहशील वाहन कार के आते ही उसे रोक कर तलाशी ली तो वाहन की डिक्की और पीछे की सीट में देशी शराब की 28 पेटी बरामद हुई, जिसकी कीमत 12,05,000 रुपए मूल्य बताई जा रही है और अवैध शराब परिवहन करती कार कीमत करीबन 5,00,000 को जब्त किया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी सर, एक दारू का प्रकरण आया है, क्या है पूरा मामला? विगत कुछ समय से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिस पर की थाना सागौर के अंतर्गत थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर चेकिंग ड्यूटी लगाई गई थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर एक सागौर कुटी की तरफ से एक एक्सेंट हुंडई की कार, जिसमें की 28 पेटी शराब रखी हुई थी और उसको चेक जब रोका गया पुलिस के द्वारा तो उसमें से 28 पेटी शराब बरामद हुई, तो साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।